भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप प्रत्यारोप के पोस्टर QR कोड के साथ अज्ञात लोगों ने चस्पा किए थे। ऐसे ही पोस्टर अब बहरानपुर शहर में भी लगे हैं। अज्ञात लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो लगे पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर सानवारा रोड, बस स्टैंड रोड, कृषि मंडी सहित अन्य स्थानों पर नजर आ रहे हैं। जगह जगह चस्पा इन पोस्टरों में 50% लाओ, फोन पे पे काम कराओ लिखा है, साथ ही QR कोड भी लगा है। नगर में दीवारों, गुमटियों में ये पोस्टर सोमवार से दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स और कमलनाथ पर हमला बोला है। कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है जो खुल के सामने आ गई, और फोन पे वालों के ट्वीट के बाद तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है कि ये किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, और इस उम्र में कैसी लालसा लोलुपता है सत्ता की कि चरित्र हत्या की राजनीति पे आ गए आप, डर्टी पॉलिटिक्स पे आ गए आप। ये अच्छा नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जिस तरह से आप अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप लगा रहे हो, अरे चांद पे कीचड़ फेंकोगे तो चांद पे थोड़ी गिरने वाला है। शिवराज सिंह जी पे कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो, आप पे ही गिरेगा ये। FIR भी की गई क्या? बुरहानपुर में FIR की गई है, छिंदवाड़ा में FIR की गई है, और जगह भी शिकायतें जहाँ जहाँ आएंगी वहाँ सब जगह कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। ये NSUI के जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा के अजय ठाकुर जी, नगर अध्यक्ष हैं समर्थ मेड़ा जी, इन दोनों पे, और अतुल शर्मा जी सब छिंदवाड़ा के कांग्रेस के हैं, पदाधिकारी हैं इन पर, और हमारे पास विजुअल हैं, फुटेज हैं इन सब के। बुरहानपुर के अंदर कार्रवाई की गई है, जो उनके संदीप यादव हैं और उबुल्ला जी हैं, और इन पर लगातार हम कार्रवाई करेंगे। ये आप देखिए, ये फोटो में स्पष्ट दिख रहे हैं, वो ये CCTV फुटेज भी है, और उनने वैसे तो खुद ही ने अपलोड कर दिया, कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं। अब इससे ज़्यादा चिंता और निंदा की बात क्या होगी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि तुमने लगाए तो हमने लगा दिए, अब अपने बचाव के लिए हमको क्यों ले रहे हो, हमने लगाए हो तो हम प्रमाण दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप दो। फ़ोनपे ने कोई संपर्क किया आपने? फ़ोनपे ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है, पर संपर्क करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हमको एक व्यक्ति ने आके शिकायत की थी कि उनकी पार्टी के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, और इस तरह से एक माहौल आपस में झगड़े का, विवाद का, द्वेष का बन रहा है, तो उस पर कार्रवाई FIR की गई है, और इसमें विवेचना कर रहे हैं, अज्ञात के खिलाफ भी हुई है, और उस पर विवेचना करके साक्ष्य करके कार्रवाई करेंगे। इसमें 505 में IPC में केस रजिस्टर्ड है। इन लोगों के खिलाफ पार्टी के भी नाम आ रहे हैं? नहीं, इसमें उन्होंने ऐसा बताया कि उनको ऐसा शंका है कि कांग्रेस के अज्ञात लोगों ने, तो वो वही फिलहाल अज्ञात है, किसी का नाम नहीं।